राम राम सारी बहना ने और सत्तन सहेलिया ने बहनों सारिया ने राम राम। तो ये बहनिया क्यों के मन है लक्ष्मी माता की कथा ए व्रत विधि बताओ। तो लक्ष्मी माता तो बहनों प्रसन्न हो कोई साफ रख सफाई रखे सोनी गरी है जूठा बर्तन ना छोड़े आथन सौंती बारी है। लक्ष्मी माता व्रत हुआ शुक्रवार के दिन। तो लक्ष्मी माता शुक्रवार के दिन व्रत हुआ है नाम गणाई हुआ लक्ष्मी माता का भाई की चीज़ हूँ कई इच्छा पूरी करी हुई भी है नाम लक्ष्मी माता का टिक्या विजय लक्ष्मी है भव्य लक्ष्मी संतान लक्ष्मी धन लक्ष्मी सारी लक्ष्मी माता का न्यारा न्यारा नाम है। तो आप किस चीज़ को व्रत करा भी मंत्रों नाम लेके मंत्र को जाप करो। तो विजय खातर तो भी आप नौकरी है कोई भी अपने बच्चों पढ़ाई के बारे में कोई नौकरी के बारे में अन्न धन के बारे में विजय लक्ष्मी माता की पूजा करो। महालक्ष्मी महालक्ष्मी का नाम पूजा करो तो अपन सारों की प्राप्त हो भी कोई चीज़ की इच्छा पूरी करे है जिया जिया थे जी चीज से चाहो भी नाम वो संकल्प ले गए लक्ष्मी माता का व्रत करो 5, 11, 21 जितनी थारी श्रद्धा सारो। तो उद्यापन करे शुक्रवार के दिन व्रत हो शुक्रवार को 4 बजे बाद में उद्यापन हो लक्ष्मी माता को। तो किन्या जमाई जय जीता शुक्रवार का लक्ष्मी माता का व्रत करिए 11 करिए तो 11 किन्या जमा दियो 21 करिए तो भी 5 जमा दियो 11 जमा दियो 11, 7, 5 इतनी जितनी जमाओ भी थी किन्या ही जमा सको सुहागण बागण ने भी जमा सको थे लक्ष्मी माता। तो आपके सुहाग बाग के बारे में व्रत करिए तो सुहागण बागण ने जमाओ है महालक्ष्मी में व्रत करो तो भी मैं सारो भी किन्या ही जमा सको है सुहागण बागणा ने जिमास को 5, 7, 11 थर जी करे बीती जिमा आगे बने खीर को भोग लगा लक्ष्मी माता खीर बहुत पसंद है बेणो। तो खीर और पूरी पक्की रसोई बनाओ तो पूरी बनाओ सागे जे सीधी साधारण रसोई बनाओ थे तो खीर बनाओ जे गरीब लागे ना जिमाओ तो कोल्यांग माँ गाल गाल के भी 11 गए 10 गए 5 ग्राम है दे दियो तो सने कोली दे दियो कोली पाछी ना लियो। तो थाने में लक्ष्मी माता को उद्यापन तो यहाँ हुआ बहनों शुक्रवार के दिन हुआ एक टाइम भोजन हुआ कथा सुन गए और फिर भोजन करना चाहिए जगह दिन है व्रत हुआ भी दिन है लक्ष्मी माँ को जाप करना चाहिए जय लक्ष्मी माँ भी साहब को बेलो है नी यदि काम करे तो मन में रट बो करे अच्छी माड़ी पराई निंदा ना करे चुगली ना करे है खुश रहे भी दिन क्रोध ना करे तो वो व्रत अपनों सफल को नहीं बहनो। तो जे गरी की गई बूढ़ा माँ बाप ऐसा सुसुसर है तो वन खुश करो तो लक्ष्मी माता भी खुश हो जाएगी है पति देव ही है कोई आदमी करे तो बिना पत्नी ने आपकी ने खुश रखो तो वह भी लक्ष्मी रूप ही हुआ है। तो गरे खुश रहे सुख शांति रहे तो आप भी लक्ष्मी माता ने आना पड़े बहनों। तो एक थान छोटी सी कथा सुना दी मैं साधारण व्रत की इं तो घनी कथा के सुना रखी है। तो सबसे मोटा तो पार्वती माता को व्रत है बहना और लक्ष्मी माता को तो आप इं तन मनो अपने जी करे तो कर सका और लक्ष्मी माता को भाई ज़्यादा व्रत को नहीं एक शुक्रवार को ही व्रत है करीजा लक्ष्मी माँ को पार्वती माता को तो आप किता व्रत है भी तीज है तो चौथ है तो लक्ष्मी पार्वती माता को व्रत है सोमवार को करा तो ही पार्वती माता को व्रत शिवरात्रि को करा तो शिव जी पार्वती माता का दोनों व्रत है। तो यहाँ पार्वती माता का रूप तो बहुत है नेक है जीविंग है पूजा करा अपन भाई अपनी इच्छा पूरी करे लक्ष्मी माँ आपकी जी हाँ पूजा पूरी करे। तो थाने मैं सुना दी छोटी सी कथा एक तो नारायण भगवान बैठा लक्ष्मी माता बैठी तो दोनों बैठे बातें करता करता बोलिया कह लक्ष्मी माता बोली मेरा शक्ति ज़्यादा है थारू नारायण भगवान बोलिया मेरे में ज़्यादा है तो ना कह थारे में कोई नहीं मेरे में ही है कह तो थाने मैं यही बात उत्तर दूंगी भगवान ने कहो नारायण भगवान ने कह हाँ जो दही तो आप चलना कोई सेठ साहूकार के गरीब तो अपना
बिठा पड़े वो भी थाने रखे कि मन्ने रखे के ठीक है भी मेरे बिना तो तन्ने कौन रखे के तो ठीक है। तो नारायण भगवान जाके सेठ साहूकार के घरे एर कह के भाई मैं थारे घर रात वासो लेना चाहूँ। तो सेठ जी बोलिया भी आ जाओ भी रेहो ऊपर को कमरों पड़े वो दे दिया थाने थे रेहो बैठे तो वो कमरों दे दियो लक्ष्मी माता ठा पड़े भी सेठ के घर गया है नारायण भगवान। तो लारे उठ के जागे एवं घरे लक्ष्मी माता तो बोली कि भाई मैं थारे घरे आज भोजन पानी करना है। तो बोले ठीक है भोजन पानी की कमी है भी करवावांगे थाने बैठो थे। तो लक्ष्मी माता बैठ गई तो वह पानी ले आया पहले पोता पानी ले जलावा आज इंगो ही अपने हिंदू धर्म में नियम है भी पहली पोत पानी देना चाहिए कोई आवे चाहिए। तो पानी जलाए जब आप बोली भाई मैं थारे गिलास में कौन पूँ मैं मेरा आपके गिलास में बन रहा है बर्तन में पीऊँ चांदी गिलास काट के लक्ष्मी माता एर पी गिर वो बटे फेंक दियो। तो वो सेठ सेठाणी देखा तो वह तो अगे धक्के रह गए बोले इं दूसर पानी और लिया फिर पी गए बन फेंक दियो पंख तो दो गिलास हो गए चांदी का। बोली भाई मैं सागी बर्तन में पानी कौन पीऊँ। बोली फिर सारा कह भी वह तो बहुत अच्छी बात है भी आपने तो चांदी सोना गड़बड़ी जो बोले जिमू तो मैं सोना थाल में जिमू तो दबा दब से टाणी भोजन बना के लिए खीर बना के लिए तो आप ले गाल बोले थारो बर्तन रखो मेरा में गाल दियो। तो सोना के डेढ़ा कटोरा काढ़िया लक्ष्मी माता तो काढ़िया तो बम जिमीर फेंक दिया जिमली फेंक दिया तो गरीब तो सोना और चांदी आथन ताई बार ही तो सारो की। तो बोले मई थारा पग पकड़ा थे मार के रात रह जाओगी। बोले हाँ रह जाओ हाँ क्यों कौन मन तो एक कमरों चाहिए भाई मैं तो रह जाऊँगी तार गरी है मेरे कहते चांदी सोना ही तो कोई कमी कौन भी सारो की है बर्तन में तो मेरा आपका ही रखूँ कह दूसर जिमू कौन मेरा वो नेम है। तो बोले ठीक है तो ऊपर लेगा बोले मैं तो भाई कोई मेहमान है जरा बह रहा है मारा थे मरे जो बोले ना मत ये कमरा में रूँ तो अरे कौन है वो मेहमान थार काढ़ो बिन बारे तो मेहमान ने तो बोलिया भाई कुकर काढ़ा सेठाणी सेठ बोलिया काढ़ने की है सोना चांदी होने तो घर भर दियो आप भी कम की करावा जान दियो कि उड़ जा। तो भगवान ने बोलिया भी चलो कि थे भी मार तो कह बोर आ गया मेहमान आने रखा मैं तो। तो भगवान बोलियो कौन है कह इं कर गया जो भगवान जाने भाई आ गई लक्ष्मी माता तो अब देखो दोनों जना मने मने बात करा बोले अब देख के बने तेरो के बने मेरो। बोले भगवान बोले मान जा कह जी हर मान जा भगवान मन में बातें करे दोनों बंग आत्मा की बात तो है। बोले ना कह जी तो और पिताऊँगा तो सेठ तो वो नारायण भगवान बोले मन रूंगा रात रात बोले रहो क्यों करें पकड़ के हाथ ठरड़ के ले आयो नीचे ठरड़ के ले आयो तो भगवान ने नीचे लिया गेर। तो लक्ष्मी माता मन मन में हंस है बोले कहा नहीं मोटा नारायण भगवान थे। तो भगवान बोलियो भाई मान गयो लक्ष्मी माता तन्ने भी तू ही मोटी है मैं कोनी तो ए तो आप लीला दिखावा विष्णु भगवान लक्ष्मी माता तो और बाहू के छोटा मोटा को ध्यान हो जद कह भी स्त्री वह नहीं बा शक्ति ज़्यादा हुआ आदमी ना स्त्री बिना तो घर ही सुनने लगा आप गिडी कोठी गाल लियो आदमी तो बीस फिरो बुलाई बो आप नच कौन लगा एक लुगाई हुए नहीं तो बा बहुत ही सुनने लगा अपन घर भी उदाहरण दी हुए थाने मैं वो जद कह भी लक्ष्मी माता कहो भी लुगाई में शक्ति ज़्यादा है जद मान गया भगवान नारायण बोलिया भी तन मैं मान गयो लक्ष्मी माता अरे तेरे में शक्ति ज़्यादा है जद आ बात है आ छोटी सी कहानियाँ सुन लियो बहनों लक्ष्मी माता की एर सारी बहना खुश रहियो और मस्त रहियो एर और भी थाने सुनाऊंगी कथा बने आ थाने छोटी सी सुना दी थे बोड़ी तावड़ करे दो तीन बार कमेंट कर दियो जद बहनों और लाइक करियो शेयर करियो और कमेंट में जरूर लिखियो मारी मेरी कथा थाने पसंद आवे तो अपना चैनल अच्छा लगे तो अगुआ के शेयर भी करियो बहनों। राम राम सारियाँ राधे राधे जय श्री कृष्णा।